अभी मैं मुंबई में उस जगह पे हूँ जहाँ पे रणवीर सिंह ने चड्डी और बनियान उतार कर 200 करोड़ रुपया का घर खरीदा है। और ये जब गंजी उठा उठा के ढोंड़ी दिखाते थे तो हमें समझ में ही नहीं आया कि ये क्या क्या दिखाने वाले हैं। और बगल में ही, जस्ट बगल में ही, समुंदर के बगल में जो है 4 फ्लोर का एक कीमती घर उन्होंने लिया है। कीमती घर, जरा सोचिए। लेकिन उनका कीमत क्या है कि पैसे के लिए जो है ना, वो कहीं भी नंगा हो सकते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि 1000 लोगों के सामने भी नंगा हो सकते हैं। हालांकि उनकी शादी जो है दीपिका पादुकोण से हुई है, और अगर ये काम उनसे कराते दीपिका जी से, तो शायद से ये बात मैं कहूँ तो महिला आयोग जो है एक्शन ले लेगा। सही है कि नहीं है? लेकिन इस देश में पुरुष आयोग तो है नहीं, इसलिए रणवीर सिंह ने जो है खूब नंगा प्रदर्शन किया, गंध मचाया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है और उसी का नतीजा जो है उन्होंने ये चीज़ें दिखाया है। आप अभी यहाँ पे हैं, बगल में रणवीर सिंह का घर है जो अभी बन रहा है, 200 करोड़ रुपया में घर खरीदा है। और उस घर को खरीदने के चक्कर में इनका चड्डी और बनियान उतर गया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रणवीर बोलता है उसके में बहुत एनर्जी है। हाँ। अभी इतना एनर्जी है तो जाके भारतीय सेना का मदद करो। हाँ। जाओ थोड़ा कारगिल बॉर्डर जाओ, लद्दाख ले, चीन जाओ, वहाँ जाके अंडरबियर गंजी उतार देगा, तो इसीलिए वहाँ पे मौका नहीं मिला। हाँ, तो उसका एनर्जी दिखाने का। और बाकी देखिए, लोग तो दय व्यापार और गलत काम करके भी काम करता है, लेकिन किसी, तो ये भी तो देह व्यापार है ना। कल को डायरेक्टर बोलेगा कि ये वाला रोल करना है, थोड़ा सा लिपटा लिपटी कर लो कपड़ा खोल के, तो कर लेगा पैसा के लिए। हो सकता है करता ही हो। हाँ। इसलिए वो बताया है कि हम कर सकते हैं, इसलिए खोल दिया। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? समरजीत। कहाँ से हैं? मुंबई से ही हूँ। मुंबई से हैं। अच्छा, आपको मौका मिलेगा, 2-4-5 करोड़ रुपया दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कपड़े खोल दो, तो खोल देंगे? जी, ऐसा तो नहीं करेंगे, कि हमको देखने वाले हमारे माँ बहन बेटियाँ हैं, तो पैसे के लिए तो हम इस तरह से काम नहीं करें। जो मेहनत से कमा पाएंगे वही कमा पाएंगे। मेहनत से जो कमा पाएंगे वही कमा पाएंगे। और ये शिवाजी की भूमि है, और शिवाजी की भूमि पे समंदर के किनारे घर लेने के लिए जो है ना, वो पूरा का पूरा नंगा हो गए रणवीर सिंह। हालांकि कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं, तो जो जैसा होता है वैसे लोगों का समर्थन करता है। जैसे कुछ आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। बगल में शाहरुख खान जी का घर है मन्नत, ये जो बड़ा सा बिल्डिंग है उसके जस्ट पीछे मन्नत घर है, और उसके बगल में जो है रणवीर सिंह ने अपना घर लिया है, और यहाँ पे बगल में जो है ना वो सलमान खान का घर है। सारा बॉलीवुड का जितना नचनिया बजनिया होता है, जो अपना देह बेच के जो है ना, जिस्म बेच के जो है पैसा कमाता है, वो सब इधर VIP एरिया में जो है महंगा घर लेता है। सलमान खान वो देखे हैं ना, तौली ऐसे लगा लगा के। शाहरुख खान एयरपोर्ट पे नंगा कर दिया जाता है। रणवीर सिंह को जो है वो नंगा करके पैसा दे के जो है घर खरीदना पड़ा। जरा सोचिए, इन लोगों को, ये कलाकारों को क्या कहना चाहते हैं जो भारतीय संस्कृति सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मुझे लगता है कि रणवीर दिखाना क्या चाहता है और किसको दिखाना चाहता है, वो भी जिससे पैदा हुआ। आने के लिए बच्चा ही क्या है उसके पास? वो जिसको दिखाना चाहता होगा वहीं से पैदा हुआ है, वो जिस चीज़ को दिखाना चाह रहा है वहीं से पैदा हुआ है। और इस देश में, इस कल्चर में, जो भारत को बताया जाता है, यहाँ पे अगर मूल पुरुष, जो कि ये कलाकार जो अपने आप को बोलते हैं भांड कलाकार जो है, ये बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं। और अगर ऐसे कलाकार ऐसा चीज़ करेंगे तो कल दिन दूर नहीं है, इसी रोड पे आपको लोग नंगा चलते हुए दिखेंगे, एक बोलेगा रणवीर को कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या होगा। तो ये तो मिसाल पेश करते हैं। मुंबई में बहुत सारे जगहों से FIR हुआ है, और ये चड्डी बनियान आप ही लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं? चड्डी बनियान तो हम तो लेके नहीं आए, हम तो अपील करते हैं कि जो आदमी बम्बई आए उसके घर के बाहर उसके वॉचमैन को दो जोड़ी चड्डी बनियान भी दे दे, कि अगर हो सकता है उसकी आर्थिक हालत अभी सही नहीं है तो बाद में उसके घर में जरूरत पड़ेगा। अच्छा, कितना नंबर का चड्डी बनियान है? बोला था 90 नंबर का उसका, आराम का मामला रहेगा, उसको टाइट नहीं चाहिए। हम तो अपील करेंगे उसका घर का एड्रेस लोग गूगल करे, पूरा इंडिया से स्क्रीन शॉट डाले के उसके घर भेजे, 2-4 हज़ार दे दे उसको चड्डी बनियान। कि अगर जेंट्स लोगों को आज चड्डी बनियान का भी औकात नहीं है तो मांग लेता ना, पहन के फोटोशूट करा लेता। तो आपको कैसे पता चला कि 90 नंबर का चड्डी जो है उनको हो जाएगा? तो शरीर देख के पता चला। ये देखिए 90 नंबर का। हाँ। उनके लिए। हाँ। जाते समय उनके घर के बाहर। और ये ध्यान से देखिए भैया, यहाँ पे
यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है फ्रंट लाइन पे, इसको पकड़िए, इसको इसको इसको, ये देखिए रणवीर सिंह का स्टिकर जो है, आराम का मामला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कीजिए, पास में आइए, रणवीर सिंह का चड्डी के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है और फ्रंट लाइन, ये आराम का मामला है। तो ये आराम का मामला वाला अंडरवियर वो क्यों नहीं पहन के शूट कराएं, फोटो शूट कराएं, खुद नंगा हो जाते हैं और दूसरों को अंडरवियर और गंजी पहनने का सजेशन देते हैं। ऐसे ऐसे हमारे बॉलीवुड के कलाकार हैं। और इस प्रकार के भारण कलाकार अगर किसी भी चीज का प्रचार करें ना, तो उसका आप लोग विरोध कीजिए, सही है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल, विरोध करना चाहिए। अच्छा, रणवीर सिंह का आप लोग फिल्म देखेंगे कि नहीं देखेंगे? सर देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते, ज्यादा नहीं देखते। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार सिंह। रणबीर का, रणबीर सिंह के बहुत बड़े समर्थक लग रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई समर्थक नहीं है सर। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? अमित कुमार राय सर। अच्छा, रणबीर सिंह जो है नंगा फोटो शूट कराए हैं, पता है आपको? जी सर पता तो है सर। अच्छा, तो आप भी नंगा फोटो शूट कराएंगे? नहीं सर, कभी पैसे नहीं। के लिए नहीं, कब, कितना भी, 4-5-10 करोड़ रुपए कितना भी सर देगा तो मैं, कभी नहीं हो सकता ऐसा सर। क्योंकि नहीं हो सकता, उसका, उसका मम्मी भी देखा होगा ना सर ये फोटो। उसका बहन सब देखा होगा। उसका बीबी दीपिका पादुकोण ने भी देखा होगा, सब देखा होगा। क्या नाम है आपका? शाद कुरैशी। अच्छा, कहाँ से है? मुंबई से है। मुंबई से है। रणबीर सिंह ने नंगा फोटो शूट कराया है, देखे हैं आप? जी देखे बिल्कुल। तो क्या उसने सही किया या गलत किया? बिल्कुल गलत किया है। गलत किया तो उसका विरोध करते? इंडियन कल्चर में सब नहीं है नंगा दिखावा, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप करते क्या है? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। कभी आपको मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कार दिया जाएगा और मुंबई में इस जगह पे फ्लैट दिया जाएगा और बोला जाएगा नंगा फोटो शूट कराओ, तो कराएंगे? बिल्कुल नहीं सर, नहीं कराएंगे, ये हमारे कल्चर में है ही नहीं। ये कल्चर में नहीं है। क्या नाम है आपका? काशीदास। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको कभी मौका मिले 20-25 करोड़ रुपया लेके नंगा फोटो शूट कराने का, कराएंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? अच्छा, सब देखेगा, फैमिली वाला, खानदान वाला पत्थर से मार डालेगा, फेंक फेंक पत्थर से मार डालेगा। तो रणबीर सिंह के खानदान वाला ने पत्थर से क्यों नहीं मारा? वो उसके ऊपर, हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या पैसा दिया है ना इसके लिए नहीं मारे, पैसा मिलता है ना इसके लिए। अच्छा, आपको भी पैसा दिया जाएगा और मोटा रकम दिया जाएगा तब आप नंगा फोटो शूट कर? कभी नहीं, ऐसा नहीं करेगा ना सर हम लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? अजय। अच्छा, रणबीर सिंह ने फोटो शूट कराया नंगा, देखे हैं आप? नहीं अभी तक नहीं, नहीं देखे हैं। अच्छा, आपको अगर मौका मिलेगा, पैसा दिया जाएगा नंगा फोटो शूट कराने का, कराएंगे? और यहाँ पे जगह दिया जाएगा, फ्लैट दिया जाएगा, तब कराएंगे? जी नहीं, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। लेकिन एक बात है, जब आमिर खान जब पीके आई थी तब वो नंगा भागा है टेप रिकॉर्ड लेके, अगर वैसा सीन करूँ तो मैं जरूर करूँगा। ये देखिए ये मिल गए हैं, अगर फिल्म में इनको रोल मिलेगा और नंगा रोल मिलेगा, जिस तरह आमिर खान ने जो पीके में किया है टेप रिकॉर्ड लेके जो भागा है गाड़ी के पीछे, वैसा सीन रहे तो जरूर करूँगा। मतलब कि फिर भी आपको आगे वाला ढकना है? आगे का ढकना है, ढकना है। उसने तो आगे पीछे कुछ नहीं ढका, वो तो उसकी मर्जी। क्या उसकी मर्जी होगी? तो बॉलीवुड वाले से विनती करना चाहता हूँ कि अगर पीके जैसा रोल देना है तो इनको, ये पीके के गोला के है, इस गोला के नहीं है, वो आगे गोला के है। इनका टेप रिकॉर्डर कहाँ है? टेप रिकॉर्डर कहाँ है आपका? मगर वो तो अपने, वो तो जो डायरेक्टर जैसा बोलेगा वैसे। अच्छा, उस कैरेक्टर में रोल मिलेगा तो आप करेंगे? कैरेक्टर में। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? सजन अली। अच्छा, कहाँ से है? बंगाल से। अरे बंगाल से हैं। रणवीर सिंह का फोटो देखे हैं? देखे। नंगा वाला? नंगा है वो। कैसा है? गंदा है वो। गंदा है तो वैसा फोटो शूट कराएंगे आप? मुंबई में आपको फ्लैट दिया जाएगा? नहीं करेंगे। नहीं दिया, नहीं करेंगे? नहीं। काहे नहीं करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, तो वो तो करा लिया, करने तो। अच्छा, गंदा बगल में फ्लैट लिया है, ये जो बड़ा वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, इसके बगल में 4 फ्लोर का फ्लैट लिया 200 करोड़ का, तो बहुत खराब करता है ना वो। वो खराब करता है। हाँ। अच्छा, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि रणवीर सिंह का विरोध होना चाहिए, और एक वो हमारे चाचा बोल रहे हैं कि अगर टेप रिकॉर्डर मिल जाए आगे ढकने के लिए तो ढक के फोटो शूट करा सकते हैं, फिल्म में काम कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सही गलत आप अपने समाज, परिवार, देश को क्या दिखाना चाहते हैं? गंजी दिखाना चाहते हैं, अंडरवियर दिखाना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आपका घर वाला, आप यहाँ पे जिससे ही बात किए हैं उनको अपने समाज परिवार सबका बहुत ज्यादा ये है कि उनका देखता है, उसने जो किया है उसको तो पूरा वर्ल्ड देखा है, उसको तो सबसे पहले आके माफी मांगना चाहिए उन महिलाओं से जिसकी भावना आहत हुई है। और मैं आपके चैनल और वीडियो के माध्यम से आह्वान करूंगा
ये लोग ऑनलाइन जाके ऑफलाइन जाके, हमको उसका विरोध ऐसे नहीं करना है कि हमको रास्ता रोकना, नहीं, आप सीधे उसके घर के एड्रेस पे, बड़ा स्टार है, पोस्ट ऑफिस वाला पहुंचा ही देगा, एक चड्डी एक बनियान उसके घर पे एड्रेस कीजिए, आपके कमेंट बॉक्स में एड्रेस बता दीजिए, अब बैंड्रा में उसका घर रणवीर सिंह ने कहा लिया है, आप नाम ढूंढ लीजिए मिल जाएगा, वहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए बैंड्रा का, उसके घर पे पूरा बराबर भेज के स्क्रीन शॉट डालिए और उसको बोलिए गेट वेल सून, क्योंकि ऐसे मानसिकता में अगर इतना वो हाई एनर्जी वाला है, भैया तुम बॉर्डर पे जाओ, साला रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है वहाँ जाओ, तुम साला सियाचिन ग्लेशियर में जाओ, वहाँ नंगा हो तो समझेंगे ना एनर्जी है, तुम यहाँ नंगा रहो, मीडिया से फैला रहे हो, और ये तुम्हारा मीडिया स्टंट है, लेकिन मैं अपील करता हूँ, जो फोटोग्राफर है वो बोल रहा है कि इसके पहले मैंने शायद से हॉलीवुड की एक सिंगर का भी नंगा फोटो शूट कर लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा रणबीर सिंह का नंगा फोटो शूट करने में, जो फोटोग्राफर है उसने बोला है, और तो कुछ दिया होगा उसको, देखिए यहाँ पे तो लेन देन ही होता है, लेकिन जितने राष्ट्रभक्त देशभक्त और जो फैमिली के लोग हैं उनको हम बोलेंगे कि पूरा बाइकॉट करो ऐसे सारे कलाकार का, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे वो जितने लोग हो, चाहे वो कोई, यही कारण है कि बॉलीवुड दिन दुगुना रात चौगुना गर्त में जा रहा है, क्योंकि खुद तो प्रचार करते हैं आराम का मामला, अंडरवियर पहनिए, गंजी पहनिए, और जब जरूरत पड़ता है, पैसा मिलता है, तो नंगा पुंगा जो है कैमरा के सामने हो जाते हैं और उसे सोशल मीडिया पे डाल भी देते हैं, लड़कियों पे, महिलाओं पे, बच्चियों पे इससे गंदा असर पड़ेगा। देखिए ये तो समाज में इतना बुरा असर कर रहा है कि आज हमारी बच्ची जो छोटी है वो टीवी नहीं देख सकती है, सोशल मीडिया नहीं देख सकती, क्योंकि हर दो वीडियो के बाद ऐसा ही फोटो आता है, और ये हम लोग अगर आज आके खड़े नहीं होंगे, ऐसे नचनिया भाड़ गवैया और जो भी आप सड़क का दलाल छक्का रणवीर सिंह के अगेंस्ट में, तो हम तो अपने घर के लेडीज का ही हम लोग इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, लोग बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार जो है उसके समर्थन में उतरे हैं, रणवीर सिंह के समर्थन, तो उनको पटक चलना चाहिए, उन लोगों को भी, उनको उन लोगों को बोलना चाहिए तू भी खोल के फोटो खिंचवा ले, तुम लोग के घर के बाहर भी चड्डी बनियान भेज देंगे। वो लोग घंटा कोई रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल होने चाहिए कौन, रतन टाटा रोल मॉडल होने चाहिए, भगत सिंह रोल मॉडल होने चाहिए, विक्रम बत्रा जिन्होंने देश के लिए शहीद हुआ, रोल मॉडल वो लोग होने चाहिए जो कुछ मैसेज दे सकते हैं, रोल मॉडल ऐसा नचनिया दुगला चरसी गंजेड़ी रणवीर सिंह नहीं हो सकता है जो आज अपना शरीर दिखा के अपना घर खरीदता है, क्या फ़ायदा उस घर का, वो चार दीवारी ही दिखाएगा उसको उसका नंगा फोटो, उसको नींद कैसे आती होगी, और अगर उसका घर वाला भी उसका, हमको तो लगता है कि 6 महीने में दीपिका उसको छोड़ के ना चल जाए, 6 महीने में दीपिका उसको छोड़ के ना चली जाए, और पैसे के चक्कर में बॉलीवुड कलाकारों से विनती है कि कम से कम नगंता आप लोग ना फैलाएं, और रणवीर सिंह जो आपने कहा था कि 1000 लोगों के सामने आप नंगा हो सकते हैं, तो भाई नंगा होने की जरूरत नहीं है, 1000 लोगों को फुर्सत नहीं है कि आपका नंगा शरीर देखे, ये भारतीय संस्कृति सभ्यता का ख्याल रखने की जिम्मेवारी जो है ना इस देश के हर एक लोगों पर है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के 99% लोग जो है वो पैसे के लिए नंगा नहीं हो सकते हैं, सही है कि नहीं है, पैसे के लिए आप लोग नंगा हो सकते हैं, पैसे के लिए आप लोग नंगा हो सकते हैं, पैसे के लिए तुम नंगा हो गए नहीं होंगे ना, तो नंगा होने वाले कलाकारों का आप लोग विरोध करें, उनके फिल्मों को फ्लॉप करें, तब जाके जो है उन्हें सबक मिलेगा, और तब जाके वो जो है ना नंगनता नहीं फैलाएंगे, बाकी क्या टेप रिकॉर्डर लेके वो होंगे वो दूसरे गोला से है दूसरे गोला से है, एक हमारे बीच में जो है बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो दूसरे गोला से हैं, वो बोल रहे हैं कि होंगे, वो उनका सोच है, इसीलिए मैंने 99.99% लोगों का जिक्र किया है, 0.1% लोग वैसे हैं अभी भी इस गोला में, दूसरे गोला से आ चुके हैं। बाकी रणवीर सिंह के काम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये अंडर बियर पे जो स्टिकर लगा है रणवीर सिंह का एकदम मुस्कुराते हुए, उसके बारे में क्या सोचते हैं, और रणवीर सिंह के इज्जत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और एक बार अगर आप मुंबई आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो रणवीर सिंह का घर जो है बगल में ही बन रहा है अभी 4 फ्लोर का, वहां पे एक अंडरबियर और गंजी जो जरूर आप लोग छोड़ के जाना, ताकि उन्हें भारतीय संस्कृति सभ्यता का एहसास हो। जय हिंद।